अनुज के सामने आए वही हालात जो अनुपमा के सामने थे। अब क्या अनुज से भी नफरत करेगी आध्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जो बातें बच्चों को थ्योरी नहीं समझा सकती, जो बातें बच्चों को कोई और नहीं समझा सकता, कभी कभी वो बातें हालात समझा देते हैं, बच्चों को क्या बड़ों को भी। यहां पे ऐसा ही कुछ मंजर आता दिखाई दे रहा है। अनुज जो आद्या को लगातार फोन कर रहा है, आद्या फोन नहीं उठा रही है, ना ही मैसेज का जवाब दे रही है। ये वही आद्या है जो अपने पॉप्स की पल पल की खबर रखती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है वहां पे इंडिया में जो आद्या अनुज के फोन नहीं ले रही है? और इधर यहां पे जो हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। तो सेम सिचुएशन अनुज के सामने आने वाली है। दोस्तों बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब से एक्सीडेंट वाला केस हुआ है 5 साल पहले से, तब से आद्या की नफरत अनुपमा के प्रति बढ़ती ही गई है, कम नहीं हुई। सबने कोशिश की बातों बातों में समझाने की, मगर अनुज ने कोशिश की नहीं की, ये हमें दिखाया नहीं गया। हाँ, कुछ हम सब भी बात कर रहे थे कि ऐसा ही कुछ डेमो दिखाएगी श्रुति, ये भी बातें कमेंट सेक्शन में हो रही थी, सेम सिचुएशन होगी और फिर आद्या को समझ में आएगा। मगर यहां पे अब जो सिचुएशन दिखाई दे रही है दोस्तों, जो हो रहा है उसमें एक तरफ अनुपमा है जिसको हथकड़ी लगेगी, जो जेल जाने की कगार में है, अमेरिका जैसे कंट्री में जहां पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां पे अनुपमा की हालत यह है कि अनुपमा जेल चली जाएगी क्योंकि उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है। और इवेंट के टाइम पे, इवेंट शुरू होने से पहले अनुज आद्या के प्रति चिंतित है कि आद्या फोन क्यों नहीं उठा रही, आद्या क्या हुआ है, वो सब सोच रहा है कि आखिर मुझे बेस्ट ऑफ लक भी नहीं कहा मेरी बेटी ने, ये क्या हो रहा है। आद्या की तरफ से उसको चिंता है, मगर साथ में उसको ये रिलीफ भी है कि वहां पे श्रुति के साथ है आद्या, और आद्या और श्रुति ठीक ही होंगे। इस नोट पे वो आगे बढ़ रहा है, इवेंट आगे चल रहा है, मगर अब वो सिचुएशन हमें दिखाई जाएगी जो मुझे लगता है कि एक तरफ अनुपमा को हथकड़ी लगेगी, दूसरी तरफ अनुज को आद्या के लिए फोन आएगा श्रुति का कि आद्या को कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब उसमें पैनिक अटैक वाली गड़बड़ हो सकती है, आद्या हॉस्पिटलाइज्ड हो सकती है, या आद्या के सामने कोई ऐसा फैक्ट आ सकता है जिसको आद्या हैंडल नहीं कर पा रही है, जो भी कुछ है आद्या के साथ कुछ गलत होगा। और उसमें और इसमें दोनों जगह पे मां बेटी, यानी कि अमेरिका में अनुपमा, इंडिया में आद्या, दोनों ही मुसीबत में होंगी। अब यहां पे वही सिचुएशन है दोस्तों कि प्रायोरिटी किसको देनी है भाई। अब सिचुएशन के हिसाब से, जैसे अनुपमा का एक्सीडेंट वाला सीन था, उसके हिसाब से अनुपमा को पहले आगे वाली सवारियों को निकालना था। उसने आद्या को ऑप्शन दिया, दरवाजा नहीं खुला, आगे वाली सवारियों को उसने निकाला और सबको बचा लिया। उसी सिचुएशन के हिसाब से अनुज के सामने अनुपमा सामने हथकड़ी में जा रही है और आद्या इंडिया में है, आद्या के पास पहुंचने में उसको समय लगेगा, मगर यहां पे प्रेजेंट में जो सामने है अनुपमा, उसको बचाना पहले प्रायोरिटी है क्योंकि आद्या के साथ श्रुति भी है। यहां पे अनुज का ही इवेंट है और यहां पे अनुज अनुपमा को पहले बचाएगा। यह सवाल अनुपमा ने भी अनुज को पूछा था कि आप क्या करते, आज उसी सवाल में अनुज खुद फंसेगा और अनुपमा को बचाएगा। और आद्या क्या अब अपने पॉप से नफरत करेगी? यहां मुझे यह लगता है कि इस सिचुएशन को अब जब अनुज ने खुद अपने हाथों से हैंडल किया है, तो वो अनुपमा की उस सिचुएशन को भी समझेगा कि कैसे अनुपमा ने प्रायोरिटी नहीं दी जो आद्या शोर मचाती है, या जो मैंने भी अनुपमा को उसकी ममता पे क्वेश्चन किया था कि तुमने आद्या को प्रायोरिटी नहीं दी, उस बात का जवाब अनुज को इस इवेंट में मिलेगा, ये मुझे लगता है, क्योंकि हालात उसी तरफ जा रहे हैं। नहीं तो आद्या का फोन ना उठाने का कारण ही क्या है? क्योंकि आद्या ने अनुज को कह दिया कि इवेंट खत्म होने के बाद आ जाना, आप तुरंत आ जाना पॉप्स, और इवेंट तो अभी शुरू हुआ है, तो आद्या को कहीं भी पॉप के आने का कोई अंदाजा नहीं है कि पॉप आएंगे, या अनुज को कि मुझे जाना है, या अनुज को कि आद्या वापस आ रही है, या तो आद्या के सामने श्रुति की कोई ऐसी सिचुएशन सामने आई है, या फिर श्रुति ने कुछ ऐसा कहा है, या फिर कोई और सिचुएशन है जिसमें आद्या, या तो उसका कुछ एक्सीडेंट हो, या कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसी सिचुएशन आप लगा सकते हैं जो आद्या के साथ मिस हैपनिंग हो सकती है।
तो ये अब दोनों माँ बेटी में जब अनुज फंसेगा, अनुज अपनी प्रायोरिटी सेट करेगा प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, जैसे अनुपमा ने की थी कि पहले किसको बचाना है जिससे कि सब लोग बच जाएं, वैसे ही अनुज भी करेगा। और मुझे जहां तक लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद आद्या की नफरत कम होगी, क्योंकि अपने पॉप से वो नफरत कर नहीं सकती है, क्योंकि पॉप के पास आद्या को लेके कोई और ऑप्शन है नहीं। तो ये सिचुएशन अब अनुज आद्या को बेटर समझा पाएगा और मुझे लगता है कि अब ये रीयूनियन जो है फिर से होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, मगर अब मुझे ये जो पूरा इवेंट में हथकड़ी लगना, चोरी, ये वो सब होना और उधर आद्या का नहीं मिलना, दोनों बातों को जोड़ते हैं तो यही समीकरण बनता है। दोस्तों क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.